अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 100 से भी ज्यादा मजेदार डिशेस का शानदार डिनर बुफे, और वो भी आलीशान क्लॉक टावर पर। ये डिनर बुफे आप में से किसी दो लोगों के लिए है बिल्कुल फ्री में। तो फिर ये फ्री डिनर आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसका जायका कैसा है और रेस्टोरेंट की लोकेशन जानिए आगे वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूं कमाल और इस समय मौजूद हूं क्लॉक टावर द फूड बाजार पर। जैसा कि मेरी हाइटिंग वाली वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद करा और उसके इस टाइम पे 7 लाख व्यूज हैं और वो नंबर 1 पे है, तो मुझे आपको इसका बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोलना था। तो आज मैं इधर आया हूँ डिनर बुफे के लिए, तो यहाँ पे हम डिनर बुफे भी करेंगे और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त सी ऑफ़र भी, जिसमें आपको यही डिनर बुफे फ्री में मिलेगा। तो चले अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी डिशेस मौजूद होती हैं, इसकी प्राइस क्या है और आपको फ्री ऑफ़र के बारे में बताऊँगा। चले आए। क्लॉक टावर द फूड बाजार रेस्टोरेंट कराची के सीव्यू पर मौजूद है, खियाबाने इत्तेहाद रोड से। जब आप सीव्यू की तरफ आते हैं तो ये बिल्कुल सामने नजर आ जाता है और बाहर से ही रेस्टोरेंट काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और यहां आने वाले हर गेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। बहुत ही वसी एरिया पर बने हुए इस रेस्टोरेंट में सिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से इनसाइड और आउटसाइड के अलावा रूफटॉप पर भी खाने के लिए सिटिंग की गई है और ग्राउंड फ्लोर का सिटिंग एरिया खास तौर पे बुफे के लिए रखा गया है। यहाँ पर डिनर बुफे की प्राइस 1980 रुपीस है, जिसमें टैक्स शामिल है, यानी यहाँ आकर एक फर्द को सिर्फ 1980 रुपए पे करने होते हैं और फिर वो यहाँ के तमाम खाने जितना दिल करे उतना खा सकता है। लेकिन मेरी तरफ से ये मजेदार बुफे किसी दो अफराद के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। टाइमिंग फर्स्ट स्लॉट की 7 से 9 बजे तक है और दूसरी स्लॉट 9:30 से 11:30 तक है। तो चलें अभी सिटिंग के बाद खानों के एरिया में चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि यहां कौन कौन से खाने मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सरवर। अच्छा, ये डिनर बुफे में हम आए हैं आज आपके, ना कौन कौन सी और कितनी डिशेस होती हैं आपके पास? सर डिनर बुफे में हमारे पास 100+ डिशें हैं। अच्छा। इसमें मिक्स कुजीन है, इसमें पाकिस्तानी, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू, सैलेड बार एंड डिजर्ट काउंटर। अच्छा, ठीक है, हमें टूर करवाएंगे आप? आ जाए सर प्लीज। सबसे पहले सर हमारा स्टार्टर है जी। इसमें चिकन कॉर्न सूप, देन अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव तो जबरदस्त है, बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप टेस्ट कीजिएगा। चिकन कढ़ाई एंड पनीर रेशमी हांडी। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या लोग पसंद करते हैं इधर डिनर बुफे में? डिनर बुफे में सर सबसे जो हमारी मशहूर है वो बारबेक्यू है, ग्रिल चिकन है एंड बटेर, फ्राइड फिश, फ्राइड प्राउन। ये चिकन जिंजर, पालक पनीर, मैश पोटैटो, बीफ हलीम एंड बीफ कीमा।
ये हलीम की प्रॉपर गार्निश के साथ। बीफ निहारी। अच्छा ये तो जबरदस्त है। जबरदस्त। एलोपिनो पास्ता रेड सॉस में। अच्छा आप कितनी स्लॉट होती है इसमें डिनर में? डिनर में सर हमारे दो स्लॉट होते हैं। फर्स्ट स्लॉट जो हमारा है वो 7 बजे से 9:30 बजे तक एंड सेकंड स्लॉट जो है वो 9:30 से 11:30 तक। ब्रेड मसाला मेरा मिक्स नान है, इसमें गार्लिक नान भी है, प्लेन नान भी है। मटन पाया। अच्छा मटन पाए डिनर बुफे में बहुत कम देखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ है और बहुत फेमस है सर जी। टेस्टी भी है, बहुत फेमस है लाहौरी मटन पाया एंड मिक्स वेजिटेबल दाल। मटन कढ़ाई एंड मक्खनी हांडी। हमारी यहाँ की मशहूर स्पाइसी बिरयानी इतने दिखने में इतनी ज़बरदस्त सर, खाने में भी बहुत टेस्ट है, आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हॉट एंड सॉर सूप। विजिट चाइनीज चिकन चाउमीन एंड चिकन मंचूरियन। एग फ्राइड राइस। चिकन शाश्लिक एंड चिकन चिली ड्राई। हमारी सॉसेज हैं, इसमें कॉकटेल सॉस है, गार्लिक मायो है, केचप, चिली गार्लिक, ये हमारे फ्राइड के साथ सर्व होती है। फ्राइड बटेर, ये भी हमारी बड़ी मशहूर डिश है यहाँ की। ये तो लोग बहुत ज़्यादा क्लॉक टावर स्पेशलिटी समझ लें आप, हमारी स्पेशलिटी समझ लें। फ्राइड फिश बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिस्पी है। अच्छा फिश भी लोग बहुत पसंद करते, बहुत ज़्यादा। ये रनिंग आइटम है हमारी। फ्राइड प्राउन ये सर ग्रिल चिकन है, ग्रिल चिकन लाइव दे रहे हैं हम यहाँ से। और ये इसके साथ डिफरेंट सॉसें हैं, इसमें मोरक्कन सॉस है, टेरागोन सॉस है, मशरूम सॉस है, गुरेरो है। देन हलवा पूरी, ये भी लाइव आ रहा है। ये जितना भी हमारा सेक्शन आप नज़र आ रहा है ये सब लाइव आ रहे हैं। और हलवा पूरी के साथ चना तरकारी। और ये हमारा लाइव कटाकट। लाइव सजी सर, इसमें ये सर हमारी लाइव सजी है। Yeah.
मलाई बारबेक्यू सर, मैं मलाई बोटी, मलाई बोटी है और वेजीज मिक्स वेजीज के साथ। चिकन स्पाइसी बोटी, फिश कबाब, चिकन रेशमी कबाब। ये हमारा डिजर्ट काउंटर है। आइसक्रीम भी सर हमारे बुफे में ऐड होती है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर होते हैं, इसमें चॉकलेट है, वनीला है, बादाम, पिस्ता, कोई से भी दो फ्लेवर हम डिनर बुफे में जो सर्व करते हैं। इसमें सर हमारे पास दो किस्म की खीर होती है। अच्छा। इसमें शुगर फ्री भी है, ये आप देख रहे हैं, ये शुगर फ्री खीर है और इसके साथ हमारी जो मैन शाही खीर। अच्छा। एग पुडिंग, मक्खन पेड़ा, मूस, चॉकलेट मूस, देन मिक्स फ्रूट चाट, फ्रूट ट्राइफल, केक्स पीस में रेड वेलवेट, दूध दुलारी, एंड हॉट गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा भी यहाँ का सर बहुत ज़बरदस्त है, आप खा के ट्राई कीजिएगा जी इंशाल्लाह। चॉकलेट मूस, और खुबानी का डबल मीठा, ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत जमी टेस्ट है इसका भी, एंड गाजर का हलवा। और ये ब्रेड पुडिंग, एग पुडिंग भी है, ब्रेड पुडिंग भी है, हॉट ब्राउनी, चॉकलेट केक्स। जी ये तकरीबन 30+ डिजर्ट पे मिला। ये बच्चों के लिए जेली, वेफर्स एंड मार्शमेलो। और यहाँ से सर हमारा सैलेड बार स्टार्ट होता है, इसमें जर्मन पोटैटो, मिक्स बीन, मैक्रोनी पास्ता, मैक्सिकन कोल्सलो, रशियन चना चाट, मैक्रोनी, बीटरूट, ब्लैक ओलिव, ग्रीन ओलिव और मिक्स ग्रीन, रेडिश, कैरेट, थैंक यू सर। सर प्राइस हमारे पास डिनर बुफे जो है उसमें 1980 रुपये है, इंक्लूडिंग टैक्स है ये। और इसमें हमारे पास दो स्लॉट में होता है, ये 7 to 9:30 एंड 9:30 to 11:30। और वैसे हमारे पास बुफे जो है वो तीन कैटेगरीज में है, जिस तरह हमारा लंच है, लंच हमारा 12 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर हमारी हाई टी स्टार्ट हो जाती है, देन 7 बजे से डिनर स्टार्ट होता है हमारा। तो अच्छा, आप जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं तो उस पर कोई आप डिफरेंट करने वाले हैं रमज़ान में? जी जी, रमज़ान के हवाले से जो रमज़ान का जो मेन्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें इफ्तार के जो आइटम है वो ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, बाकी जो हमारा मेन्यू है उसमें भी दो चार चीज़ें जो ऐसी हैं वो एक्स्ट्रा ऐड होंगी इसमें। चलिए ठीक है, हम ट्राई करते हैं यहाँ का खाना और आपको बताते हैं हमें भी कैसे। थैंक यू सर, आइए प्लीज। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इधर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और हर चीज़ का प्रॉपर और बहुत अच्छा सा इंतज़ाम किया गया है इधर। तो
खाने में मैं टेस्ट करूँगा सबसे पहले यहाँ की मटन कढ़ाई को, जो कि उन्होंने बोला है कि बहुत मज़े की होती है। तो चलें टेस्ट करते हैं कि जायके में कैसी है। बहुत मज़े की है, हर चीज़ अच्छी तरह से पकी हुई है, मसालों की क्वांटिटी भी बिल्कुल मुनासिब है, बहुत मज़े की है। अच्छा अब टेस्ट करते हैं ये यहाँ के मटन पाए, बहुत मज़े के होते हैं और मुझे ख़ास तौर पे बोला था कि इन मटन पाए को तो लाजमी टेस्ट करना है, तो इसको टेस्ट करते हैं कि कैसे जायके में। मुझे वैसे भी मटन पाए बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे हैं, वाकई में जो एक पाई का जायका होता है ना, जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वो इसमें से आ रहा है। मसालों की क्वांटिटी, हर चीज़ बहुत अच्छी है। इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक है, जो कि अच्छी लगती है, क्योंकि पतली ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, थोड़ी थिक ग्रेवी अच्छी लगती है। तो बहुत मज़े के मटन पाए, अगर आप इधर आएँ तो ये मटन पाए को तो आपने लाजमी टेस्ट करना है, बहुत अच्छा है। अच्छा आप टेस्ट करता हूँ मैं ये यहाँ के थोड़े फ्राइड आइटम्स से, जिसमें बटेर है, प्रॉन्स है और फ्राइड फिश है, तो इसको टेस्ट करते हैं कि जायके में कैसी है। अच्छा साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर सफाई का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है, तो आपको लगता है कि आप एक अच्छी जगह पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ ये यहाँ के प्रॉन्स थोड़ी सी सॉस के साथ। अच्छा साइज़ इनका काफ़ी अच्छा है, मुनासिब है और बड़े हैं, तो टेस्ट करते हैं जायके में भी कैसे हैं। बहुत टेस्टी है, अच्छा प्रॉन्स भी वाकई में लाजवाब है, और मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ की टेस्ट करी है ना, तो हर चीज़ वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अच्छा इसी वजह से पता चलता है कि ये इतना फेमस क्यों है रेस्टोरेंट, क्योंकि इन्होंने अपने डिशेस से क्वांटिटी तो बढ़ाई है लेकिन क्वालिटी का भी यहाँ पर काफ़ी ख्याल रखा गया है। अच्छा हर चीज़ प्रॉपरली कुक्ड है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनी हुई है, मेयारी है। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ का फ्राइड बटेर, क्योंकि मुझे ये भी टेस्ट करना था, तो इसको टेस्ट करते हैं कि जायके में कैसा है। बहुत अच्छा है, अच्छा बटेर तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने टेस्ट भी करे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है और जायका भी इसका बहुत अच्छा है। अब यहाँ का सीख कबाब हम ट्राई करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बारबेक्यू तो यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बारबेक्यू मैंने हर जगह ट्राई किया लेकिन यहाँ का जो है ना बारबेक्यू वाकई बहुत उमदा है और लजीज है, जायका इसमें इतना टेस्ट है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई जायका है बारबेक्यू आइटम में, तो आप बार बार जो है ना बारबेक्यू खाएंगे। यहाँ का जो आइटम है, इतने सारी डिशेज हैं, आप ख़ुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैं कौन सी चीज़ खाऊं, लेकिन मैं यहाँ का बारबेक्यू अभी तक ट्राई कर रहा हूँ, बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बारबेक्यू ट्राई कर रहा हूँ।
अब यहाँ के हम चिकन बिरयानी ट्राई करेंगे, यहाँ की जो कहते हैं कि हमारी सबसे स्पेशल चिकन बिरयानी है। वाकई बहुत मज़े की है चिकन बिरयानी। मौसम के हिसाब से यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और हवा चल रही ठंडी ठंडी, उसी हिसाब से बहुत मज़ा जायका आ रहा है, बहुत उमदा मज़ा है इसका। अच्छा, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये यहाँ का डिज़र्ट, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। खीर है यहाँ की स्पेशल, गाजर का हलवा है, ख़ास तौर पे जो यहाँ के शाही टुकड़े हैं और ख़ुबानी का मीठा है वो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ गाजर का हलवा। बहुत मज़े का है, बहुत आला, बहुत अच्छा जायका है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज का बोला था कि आपको यहाँ पर फ्री डिनर बुफे का मिलेगा, तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ उसकी डिटेल कि आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, तीनों जगह पर आपने टेस्ट बाई कमाल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। पहले यूट्यूब पर जाना है, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट कर देंगे डन का, ठीक है, और वीडियो को शेयर करेंगे। उसके बाद आप फेसबुक पे आएंगे, फेसबुक पे टेस्ट बाई कमाल को आप लाइक करेंगे, उसके पेज को वीडियो को शेयर करेंगे और उसके नीचे कमेंट कर देंगे डन का, इसी की वीडियो के नीचे। और उसके बाद इंस्टाग्राम पर जाएंगे, टेस्ट बाई कमाल को फॉलो करेंगे और उस पर भी ये जो क्लॉक टावर की पिक्चर है उसके आप ऊपर लाइक करेंगे और नीचे कमेंट कर देंगे डन का। तीनों जगह पर आपके डन के कमेंट आ जाएंगे तो हमारे जो टीम है वो सिलेक्ट करेगी, फिर जिसके भी तीनों के नंबर आ जाएंगे डन के, उसको फिर रेंडमली एक या दो को मिलेगा यहाँ का फ्री वाउचर या फिर कैश प्राइस, जहाँ पे वो इस कैश को अवेल करके यहाँ का फ्री डिनर बुफे को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से ऑफ़र है, अगर आप चाहें तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑफ़र हासिल करने का तरीका बहुत ही आसान है और आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप इस फ्री ऑफ़र में शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा ये ऑफ़र हासिल करने का तरीका मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और आप वहां जाकर भी रीड कर सकते हैं। और रिजल्ट का ऐलान 15 दिन के बाद यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा यहाँ का जायका वाकई में 10/10 है। हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और क्वालिटी और मेयार बहुत अच्छा है। कोई चीज़ आप नहीं ऐसा बोल सकते कि कम क्वालिटी की है या ख़राब है, सभी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, जायका भी बहुत अच्छा है। डिज़र्ट से लेकर यहाँ के नमकीन और हर चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत मज़ेदार है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और इन खानों को ट्राई करें, आपको भी खाने अच्छे लगेंगे, साथ ही साथ जो हमें एक्स्ट्रा एक बोनस मिलता है वो यहाँ का हमें माहौल मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि इतने मज़ेदार खाने के साथ यहाँ पर आपको मिलती है समंदर की हवा भी। तो इंजॉय करें मौसम को भी, खानों को भी, और यहाँ पे लाजमी आए। तो फिर आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें, उसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।